आप सभी से इजाजत लेते हुए, हम इतने कोई बड़े गाने वाले नहीं हैं, हम तो गांव में छोटी छोटी सभाएं करते हैं और ना इतना हमें गाने का ज्ञान है। हम सिर्फ आपकी हाजिरी भर रहे हैं और आप जो भी है वो आप जानते हैं, हमें आपने देखा होगा फिल्मों में, शबनम जी की फिल्मों में, तो इतने बड़े गाने वाले नहीं है, लेकिन हम तो कबीर जी की हाजिरी भर रहे हैं या आप लोगों की हाजिरी भर रहे हैं। जो कबीर जी ने हमें दिया है सरकार के रूप में, वो हम भी कोशिश कर रहे हैं उनको आपके सामने पेश करने की। अगर कोई गलती हो तो हमारी माफ करना, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से भी गलती हो जाती है, तो हम तो गलती के पुतले हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रेम से सुनेंगे और हम आपको प्रेम से सुनाएंगे, तो हमारी सभा बहुत बढ़िया रहेगी और हमें कुछ सुनने के लिए मिलेगा और कुछ सुनाने के लिए भी हमें मिलेगा। मैं आपको अमीर खुसरो के कलाम से शुरुआत कर रहा हूं इस सभा की। सुर है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। सुर है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। ऐ रागी जो सुनाए रोगी को मिले, जो सुर निकलते हैं, संतों ने कहा है कि जो सुर निकल रहे हैं आदमी के अंदर से, उसी में ही वो ईश्वर है। जो हमारी आवाज है वही ईश्वर है। हम बोल रहे हैं तब तक मैं मुख्तियार हूं, और जब हमारा बोलना बंद हो, मेरा बोलना बंद हो जाएगा, तो मैं एक लाश में परिणत हो जाऊंगा। उसके बाद में ईश्वर नहीं रहेगा, ईश्वर उड़ जाए। प्रभु उसकी खबर ले, ये मुस्लिम कहते हैं कि मस्जिद में आ, ये मुस्लिम कहते हैं कि मस्जिद में आ, हिंदू कहते हैं कि मंदिर अच्छा, सिख कहते हैं कि गुरुद्वारे में आ, और ईसा कहते हैं कि गिरजाघर में आ। काबा कलीसा
آبا کلیسا اور گرجا جھوٹا ان سارے بکھیڑوں سے مجھ کو مطلب ہے کیا ان سارے بکھیڑوں سے مجھ کو مطلب ہے کیا کیونکہ اے عمر کل تو مولا